बजट 5G फ़ोन और उसमें भी कटौती। 13,000 रुपये में 256 GB की इनबिल्ट स्टोरेज, 16 GB की रैम, 50 MP का कैमरा, 3.5 mm का ऑडियो जैक, 5,000 mAh तक की बैटरी और सबसे बड़ी फीचर 5G। किसके लिए सही है, कितना सही है और मैंने क्यों लिया, वो सब भी बात करेंगे। परंतु पहले देख लेते हैं क्या है, कैसा है, डिब्बे से लेकर क्वालिटी तक। ये रिन्यूड प्रोडक्ट है टेक्नो स्पार्क 10 5G फोन और यहाँ पे 256 GB 16 GB रैम के साथ। अब ये टेपिंग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से टेपिंग कर रखी है, रेड कलर की टेपिंग है। ओरिजिनल टेपिंग ये थी जो कि यहाँ से रिमूव पहले की जा चुकी है, क्योंकि ये रिन्यूड प्रोडक्ट है दैट्स वाई इस तरह की टेपिंग मिलना एक नॉर्मल सी बात, बट प्राइस का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। अंदर से काफ़ी ठीक ठाक निकला है, यहाँ पे ओरिजिनल जैसी पैकिंग है। ये मेन यूनिट है फ़ोन, इसको एक बार साइड में रखते हैं और देखते हैं डिब्बे के अंदर एक्सेसरीज की कैसी हालत है। यहाँ से आप देख सकते हैं कवर भी है, सिलिकॉन कवर, और कुछ कुछ यूज हुआ लगता है, थोड़ा सा कलर में भी डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन, 12 मंथ्स वारंटी, एंड ये चार्जर आप देख सकते हैं इसके ऊपर का कवर नहीं है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है मेड इन इंडिया चार्जर, 18 वाट का चार्जर है। चार्जर के बारे में वाटेज जाननी हो तो एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। नया है, ऑलमोस्ट अनयूज्ड है, कोई इस तरह के मार्क नज़र नहीं आते। ये मिलते हैं इसके अंदर USB टाइप सी केबल, फास्ट चार्जिंग के लिए आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर की है, और इसके ऊपर भी देखें तो आपको थोड़े से यूज़ के मार्क नज़र आएंगे। ये आप देख सकते हैं यूज़ के थोड़े थोड़े मार्क्स नज़र आते हैं, इट मीन्स यूज हुई है, यहाँ पे भी इसको यूज़ किया गया है। उसके अलावा और कोई एक्सेसरी इसके अंदर नहीं मिलती, ये पिन इजेक्टर टूल है, इनको रखते हैं साइड में। अब देखते हैं कि फ़ोन की कंडीशन कैसी है। और यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले हम बैक में देखते हैं, कैमराज के ऊपर आप देख सकते हैं किसी टाइप का कोई मार्क नहीं है, 50 MP AI कैमरा इसके अंदर दिया गया है। राइट साइड में देखेंगे तो इसके अंदर दो वॉल्यूम रोकर, प्लस और माइनस, और यहाँ पे पावर बटन, और इसी के अंदर ही इनबिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलता है। नीचे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट, 3.5 mm का ऑडियो जैक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आजकल कंपनियां नहीं दे रही, इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पे स्पीकर ग्रिल दिखाई देता है और ये माइक पूरी तरह से क्लीन है, कोई निशान यूज़ का यहाँ पे नज़र नहीं आता। वेल, और देखते हैं ऊपर इस साइड में भी कोई मार्क नहीं है, यहाँ पे भी कोई निशान बिल्कुल भी यूज़ का नहीं है, और इस तरफ देखें सिम स्लॉट दिया गया है, कोई मार्क यहाँ पे भी आपको विजिबल नहीं है। तो यहाँ पे टेक्नो स्पार्क 5G की ब्रांडिंग दी गई है इस तरीके से आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पे भी अगर फ्रंट स्क्रीन में देखें तो स्क्रीन के ऊपर कोई यूज़ का मार्क नहीं है, बट स्क्रीन प्रोटेक्टर भी इसके ऊपर नहीं है, तुरंत आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। एक बार इसको स्विच ऑन करके देखते हैं कि स्विच ऑन होगा या नहीं होगा। यस, इट्स वर्किंग। 6020 प्रोसेसर एंड्रॉयड 13 के साथ ही आता है। फ्रंट कैमरा 8 MP का, रियर कैमरा 50 MP ड्यूल कैमरा है। रैम 8 GB है और प्लस 5 GB अप टू 8 GB एक्सपेंडेबल, यानी कि 16 GB तक की ये हो सकती है। रोम यहाँ पे 256 GB की दी गई है, 256 GB का यहाँ पे मैंने इसको परचेज किया है। और उसके बाद बैटरी 5000 mAh की। अब यहाँ से वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे मैं 5G के साथ कनेक्ट करता हूँ। अब वाइब्रेशंस इसके अंदर बहुत अच्छे हैं, मैं वाईफाई के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ, और अब देखते हैं इसके अंदर यूट्यूब चला के कि कैसा चलता है। यहाँ पे कमेंट जब ऐसा मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, वन ऑफ द बेस्ट रिव्यू इन इंडिया। तो ये एक्शन कैमरा का एक रिव्यू किया था मैंने, उसका वीडियो है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसके ऊपर गॉट इट एंड सेटिंग्स, और कितना प्ले कर सकते हैं अभी इसको एडवांस। तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन अच्छा होना चाहिए उन दोनों कामों के लिए। इस एक्शन कलर एक्यूरेसी आप देख सकते हैं, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, कितना कलर ये दिखा पाएगा, क्या कोई डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता कलर के अंदर,
इसी फ़ोन के सेल्फी कैमरा से लिए गए ये दो फोटो आपके सामने हैं। एक नॉर्मल फोटो है और दूसरा पोर्ट्रेट मोड में लिया गया फोटो। इंडोर में काफ़ी अच्छी सेल्फी इसने ली हैं और अगर थोड़ा सा जूम करके देखें तो आपको दिखाई देता है कि पोर्ट्रेट मोड में बहुत अच्छा ब्लर भी कर रहा है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फोटो आपके सामने है। आमतौर से आप सोचते होंगे कि ऐसा फोटो क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फोकसिंग ही नहीं उसके अलावा लेंस की कैपेबिलिटीज़ का भी पता चलता है कि लेंस क्लर ब्लीडिंग तो नहीं कर रहे हैं या एज के ऊपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखिए आमतौर से पूरे फोटो के अंदर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसने मैनेज किया है, कहीं पर भी क्लर का डिस्पर्शन नहीं आ रहा। बट अगर कॉर्नर पर जाके देखते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है। इतना इस बजट के अंदर अलाउड है। आमतौर से हाई बजट कैमराज के अंदर भी इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छे से फोकस किया है और काफ़ी अच्छी इमेज इसने कैप्चर की है। कलर्स यहाँ पे एकदम नेचुरल के साथ मैच कर रहे हैं और बहुत अच्छे से बैकग्राउंड ब्लर देखने को भी इसमें मिलता है। कुछ फोटो सैम्पल्स आप यहाँ भी देख सकते हैं। बजट स्मार्टफोन कैमराज को अंडर एस्टिमेट ना करें। फोटो आपके सामने है, मैक्रो फोटोज़ बहुत अच्छी कैप्चर की है, पूरी डिटेल आप देख सकते हैं इसके ऊपर हैं और एकदम क्लियर डिटेल्स दिखाई देती हैं। कुछ और सैंपल्स इस फोटो में आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फोकस किया गया है और यहाँ पे प्रॉब्लम कई बार ये आती है कि एक पार्ट को कई बार फोकस कर लेते हैं परंतु सेम फोकल लेंथ पे होने के बाद दूसरे पार्ट को आमतौर से आउट ऑफ फोकस कर देते हैं। AI कैमराज आजकल हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम करते हैं, बट यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आउटडोर सेल्फी आप देख सकते हैं और यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड के साथ। पोर्ट्रेट मोड में आप देखेंगे पूरी तरह से डिटेल्स आपको दिखाई देती हैं, टेक्सचर पूरा दिखाई देता है एंड यहाँ पे एजेस के साथ भी बहुत अच्छा काम किया है और बैकग्राउंड को अच्छे से ब्लर किया है, कहीं मिक्सिंग नहीं है। बट अगर आप थोड़ा सा यहाँ देखेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आती है, बट अगर अच्छी लाइटिंग कंडीशंस हों तो ये भी चीज़ ठीक हो सकती है। और इसके AI कैमरा से आप कुछ इस तरह की फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं और वीडियोस भी। आप इसके साथ वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं AR वीडियोस को, और इस तरह के AR वीडियोस हैं। कैसे लग रहे हैं आपको बताइए ज़रा। तो रूम के अंदर प्रेजेंटली जो वीडियो क्वालिटी आप देख रहे हैं वो इसी के कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये कुछ वीडियो क्वालिटी मिलेगी इसके साथ, कैसी है क्वालिटी वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आप वीडियो रिकॉर्ड के साथ साथ इसके अंदर फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं। हालांकि फ्रंट कैमरा से आप 2K 30fps तक के वीडियोज रिकॉर्ड कर पाएंगे, बट इसके अंदर एक मोड दिया गया है ब्यूटी मोड, और वो मोड अगर आप ऑन करते हैं तो आप सिर्फ 720-30fps के ऊपर वीडियोज रिकॉर्ड कर पाएंगे। आउटडोर में कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी मिलेगी इस कैमरा के साथ, कैसी है वीडियो क्वालिटी वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें। और स्टेबलाइजेशन का मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई नहीं दिया, इनबिल्ट कोई स्टेबलाइजेशन इसके अंदर होगा तो वो भी देखेंगे, बट कैसी वीडियो क्वालिटी है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये कुछ क्वालिटी मिलती है आपको इसके बैक कैमरा के साथ, कैसी वीडियो क्वालिटी है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा कि बैक कैमरा कितना अच्छे से हैंडल कर पाता है, फोकसिंग कैसी है और कितना ये बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट्स को ब्लर कर पाएगा, बैकग्राउंड को और फ्रंट को, फोरग्राउंड को कैसे हैंडल कर पाएगा। वीडियो फोटो सैंपल्स के साथ आपने फ़ोन को भी देखा, ये एक रिन्यूड प्रोडक्ट है। जो लोग कुछ पैसा बचाना चाहते हैं परंतु डिब्बे से उन्हें कोई मतलब नहीं है, बंद हो या खुला, मार्केट में आमतौर से खुले डिब्बे ही मिलते हैं, परंतु फ़ोन एकदम नया या नए जैसा। वो लोग जो सारा दिन घर से बाहर रहते हैं, अपना खुद का बिजनेस करते हैं, दुकान करते हैं, या जिनको ज़्यादा फ़ोटो या फाइल सेव करनी है, फोटोग्राफी नहीं करनी, उन सब के लिए ये फ़ोन सही है। 8 से 10 हज़ार रुपये बच जाते हैं, कितना सही है। 256 GB की मेमोरी है, कितनी भी फाइल्स या फ़ोटो सेव करो कोई टेंशन नहीं। 16 GB की रैम, आप कितनी भी ऐप्स को एक साथ ओपन कर सकते हैं, लैग का या हैंग होने का खतरा नहीं रहेगा। 5000 mAh की बैटरी, चार्जिंग का झंझट खत्म। 5G की सिम भी यूज़ कर सकते हैं, अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट का मज़ा फ्री में लेने के लिए। कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको फ़ोटो लेनी है किसी भी इवेंट की या किसी भी डॉक्यूमेंट की, वीडियोज़ भी बहुत अच्छे रिकॉर्ड करता है, तो ओवरऑल ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। अब सवाल, मैंने ये क्यों लिया? ये मैंने लिया है अपने एक दोस्त के लिए जिसका अपना इंश्योरेंस का बिजनेस है। उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा फोटोज़ और फाइल्स को सेव कर सके। उसके साथ साथ खुद का बिजनेस है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सुबह घर से निकलना होता है, शाम तक बाहर रहना पड़ता है,
तो बैटरी लाइफ भी ज़्यादा चाहिए, और क्योंकि बिजनेस इंश्योरेंस का है तो कई बार फोटो और वीडियोस भी अच्छे लेने पड़ते हैं। तो एक ऐसा फ़ोन जिसकी मेमोरी ज़्यादा हो, कई सारी ऐप्स को एक साथ चला सके, फोटोज वीडियोस भी अच्छे हों, लंबी बैटरी लाइफ हो, 5G भी हो, ये सब कंडीशंस थी मेरे सामने। और मेरी कोशिश थी कि एक ऐसा फ़ोन ढूंढ के दिया जाए जो इन सब कंडीशंस के अंदर परफेक्ट हो, और मैंने ये फ़ोन चूज किया। हालांकि एक रिन्यूड फ़ोन है पर नए जैसा है, एक अच्छे बिजनेसमैन की पहचान, मनी सेविंग। और यहाँ पर जैसे ही मैंने उनको ये फ़ोन दिखाया तो उन्हें झट से पसंद आया, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी विद दिस फ़ोन। व्हाट यू थिंक, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिए, क्योंकि कई बार कम बजट में भी हमें अच्छे फ़ोन मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार महंगे बजट में ही अच्छे फ़ोन आपको मिलें, हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट इससे थोड़ी बहुत अलग हो, परंतु आप जब भी फ़ोन खरीदें अपना खुद का बजट देखें, आपकी रिक्वायरमेंट्स देखें। अगर एडवर्टाइजमेंट के भरोसे रहेंगे तो सामने वाले की जेब ही भरेंगे, खुद की खाली करके। तो ये एक छोटा सा आइडिया था अपने लिए फ़ोन सेलेक्ट करने का। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिए। आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव है हमेशा की तरह वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।